About the peninsula. What do you mean by peninsula? The area which is covered by water from three side. That area we will call peninsula. वो area जो कि तीनों side पानी से घिरा हुआ है, ठीक है? इंडिया का वो पार्ट जो तीनों साइड पानी से घिरा हुआ है, उस एरिया में, पेनिनसुलर इलाके में जो नदियां बहती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? उससे पहले इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि पेनिनसुलर इलाके से बहने वाली जो नदियां हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, कौन कौन सी नदियां बहती हैं। गोदावरी, कृष्णा, पन्ना, कावेरी, महानदी, नर्मदा, ये सारे किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं? पेनिनसुलर रिवर्स के, ठीक है? अब ये नदियाँ पार्टिकुलर कहाँ से निकलती हैं और कहाँ को जाती हैं? जैसे गोदावरी, पन्ना, कृष्णा, कावेरी कहाँ से निकलती हैं? राइज कहाँ से होती है? स्टार्ट कहाँ से होती है? वेस्टर्न घाट से। कहाँ से स्टार्ट होती है? वेस्टर्न घाट से। और फिर वहाँ से, वेस्टर्न घाट से निकल के किसकी साइड जाती हैं? ईस्टवर्ड जाती हैं। वेस्टर्न घाट से निकल के ईस्टवर्ड जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती हैं। ओके, फिर से बताती हूँ कि ये जो नदियाँ हैं, गोदावरी है, पन्ना है, कृष्णा है, कावेरी है, ये कहाँ से निकलती हैं? वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और वेस्टर्न घाट से निकल के ईस्टवर्ड की साइड जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती हैं। वैसे ही जैसे महानदी है, वैसे ये नदियाँ बहती है, ऐसे महानदी है। महानदी कहाँ से निकलती है? नॉर्थ वेस्ट से निकलती है। शुरू कहाँ से होती है? नॉर्थ वेस्ट से। और नॉर्थ वेस्ट से निकलती हुई किस साइड जाती है? डेक्कन प्लेट्यूज की साइड में जाती है और लास्ट में जाकर के कहाँ मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है? अब बात आती है कि ये जो नदियाँ हैं, पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं, इनको पानी कहाँ से मिलता है? हिमालयन नदियों को तो आपने पता है, मैंने बताया था, हिमालयन रिवर्स जो होती हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है? या तो रेन से या फिर मेल्टिंग स्नो से, जो बर्फ पिघलती है उससे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बर्फ का कोई रोल नहीं है। इन नदियों को जो पानी मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलता है? रेन से मिलता है। बारिश होती है तभी मिलता है। जब बहुत तेज बारिश आती है तो इन नदियों में क्या आ जाता है? फ्लड यानी बाढ़ भी आ जाती है, ठीक है? और जब समर यानी गर्मी का टाइम होता है तो उस टाइम यहाँ पर इन नदियों में बहुत कम पानी होता है, वेरी लिटिल वाटर होता है, ठीक है? पानी कहाँ से मिलता है इनको? रेन से मिलता है। जब बहुत तेज बारिश आती है कई बार तो इन नदियों से क्या आ जाता है? इनमें उफान आता है और बाढ़ आ जाती है, ठीक है? और जब गर्मियों के दिन होते हैं, सूखे का टाइम होता है, तो इन नदियों में पानी बहुत, यानी वाटर लेवल होता है वो बहुत नीचे चला जाता है। ओके, अब बारी आती है कि जो रिवर्स हैं इनके बारे में हमने ये तो पढ़ लिया कौन कौन सी होती हैं, कहाँ से निकलती हैं, इनकी यूजेस क्या हैं, इनके हाउ दे आर यूजफुल फॉर अस। फर्स्ट ऑफ ऑल द रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर, जो रिवर्स होती हैं वो हमें क्या देती हैं? पानी देती हैं, पानी प्रोवाइड करती हैं, वाटर प्रोवाइड करती हैं। किस चीज़ के लिए? ड्रिंकिंग, पीने के लिए, इरिगेशन, खेती करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो हम लाइट यूज़ करते हैं, ये लाइट भी जो होती है मोस्टली कहाँ से बनती है बेटा? पानी की वजह से ही बनती है, पानी से ही बनती है। मेक सॉइल फर्टाइल, जो मिट्टी होती है उसको भी ये नदियाँ क्या करती हैं? उपजाऊ बनाने में हेल्प करती हैं। और क्या देती हैं हमें? फिश प्रोवाइड करती हैं, जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं, नदियाँ होती हैं, मछलियाँ और ये होते हैं ना, आपने सुना होगा कि जो मछुआरे होते हैं वो फिश वगैरह लेके आते हैं, तो वो कहाँ से लाते हैं? इन्हीं सागर महासागरों नदियों में से, इन्हीं में से लेके आते हैं, राइट? तो वो फिश भी प्रोवाइड करती हैं। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।